हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 11 फरवरी 2022 2023 है। इसमें हम हेडलाइन न्यूज में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स का, जो भी हमारे एग्जाम के, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम उसको कवर करते हैं। पहले एक चीज मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा डिस्कशन होता है मोस्टली सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ऐसा आपके दिमाग में आएगा कि क्यों किया जाता है, ऐसा डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि जो इको जो करंट अफेयर्स होता है सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए ना, वो करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स होता है, उसमें ये रिलेट होते हैं, तो उनकी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक जो है कि डिस्कशन होने की ज़रूरत होती है। जो वन डे एग्जाम होते हैं, SSC होता है, बैंक होता है, या रेलवे का कोई एग्जाम होता है, तो उसमें ना दे एक बुलेट पॉइंट का पूछ देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पूछ देगा कि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिट किए हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कहाँ पे जो कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि इनॉग्रेशन किए, तो आप वो उसमें मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आपको किसी और से पढ़ने की ज़रूरत हो। वो ऑटोमेटिक आप अगर रेगुलर न्यूज फॉलो करते हैं कहीं सोशल मीडिया से, तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। लेकिन जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली जो है कि आपके स्टैटिक्स पार्ट से रिलेट करके जो है कि करंट अफेयर से पूछा जाता है एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं आपसे कि कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी क्या हुआ है कि एक व्यक्ति थे प्राइवेट मेंबर जो कि हाउस में पार्लियामेंट में, उन्होंने ये कुछ कमेटी को लेकर के अपना प्रपोजल दिया है, तो आपके दिमाग में आएगा चलो अच्छे पढ़ लेते हैं, ठीक है ऐसे। लेकिन वन डे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब सिविल सर्विसेज की एग्जाम में अपियर होते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि प्राइवेट मेंबर लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी ये चीज़ है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी कमेटी है। सच्चर कमेटी होती है, वो माइनॉरिटी पे बनी हुई थी 2006 में जब UPA गवर्नमेंट थी। तो उसके बाद अगर और आर्टिकल्स की बात करूं मैं, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 105 जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं उनको कुछ अलग से प्रिविलेजेस वगैरह मिली होती है, तो आपके दिमाग में आएगा ये कैसे काम करता है। फिर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी हुआ क्या कि ये बोहरा कम्युनिटी है, उनमें कुछ मतलब कि उनकी कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें कल्चरल जो प्रैक्टिस होती है, तो उसमें फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, उनकी खतना होता है ना, तो एक तरह से तो उनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, बट दूसरी तरफ आप देखते हो कि वुमेन्स को इस तरह से मतलब खतना जैसी कुछ चीज़ों को, उनके जैसे प्राइवेट पार्ट को कट किया जाता है कुछ पार्ट्स को, तो उसमें क्या होता है कि एक तो उनकी कल्चरल प्रैक्टिस है, दूसरी ये कि हमारे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया है इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिग्निटी या प्राइवेसी या पर्सनल चॉइस किस आर्टिकल में है। उसके बाद जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, कौन से आर्टिकल में, जैसे 26 है रिलीजियस प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन जो 21 है उसमें ये किया जाता है कि हम अपनी पर्सनल चॉइस, जैसे UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा इफ यू वांट टू मैरी समवन, तो ये कौन से आपका राइट है, कौन से आर्टिकल्स में आता है कि मतलब आप किससे अगर शादी करना चाहते हो तो आपका कौन सा अधिकार है, कौन से अनुच्छेद में आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपका सिविल सर्विस में एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक अभी बुक पब्लिश हुई है, मैं जो आज का है मतलब न्यूज में उसी को लेकर के डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके साथ, जो अभी एक आज मतलब आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें यह है कि एक बुक इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के किया गया है, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया टिल डेज, तो उसमें उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहला 4 दशक जो था आफ्टर इंडिपेंडेंट, वो कहीं ना कहीं मतलब कि इस तरह से पैरालाइज था, फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट आई है बहुत अच्छा काम। देखिए, ये जो बुक्स होती है ना, ये राइटर की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, वो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट हमें ये पता होना चाहिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट टिल डेज तक, वो कैसे रिफॉर्म होता गया। जैसे मान लीजिए UPSC ने एक बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि 1991 में जब LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाएगा, नरसिम्हा राव सर की जब प्राइम मिनिस्टर थे,
तो उस समय क्या वो कंपलसरी था? कंपलसर था गवर्नमेंट इंडिया के लिए, अगर नहीं करता तो क्या होता, अगर किया तो उसका हम लोग आज देख रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है, ये जो आज की बुक है इसमें ये कह रहा है कि जो रिफॉर्म 1991 में लिया गया, अब उसको कंटिन्यू और आगे जो कि आज प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया, मोदी जो कर रहे हैं, तो मतलब क्या कि हमें एक बैलेंस ओपिनियन होना चाहिए। बैलेंस ओपिनियन के लिए ना आपके लिए बेस्ट बुक है जैसे रमेश सर की है, TMH पब्लिकेशन की सॉरी, तो वो क्या एक बैलेंस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बैलेंस जो कि सॉरी बैलेंस आर्गुमेंट देते हैं। लेकिन हम जो न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ रेफरेंस हमारे तो पास तो टाइम नहीं है कि कुछ जो कि बुक रिलीज हो रही थी उसको पढ़ें, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें हमें एक जब मेच्योर कंपटीटर होता है, जब वो सारी चीज़ें कर लेता है, अब उसको ये लगता है कि नहीं हम प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। तो आपके जब जब मेच्योर एक कंपटीटर जब बन जाएंगे, देखिए मेच्योर कंपटीटर का मतलब मेरा यहाँ से लेना है कि आप कोई भी चीज़ को सोचते हो जब ना देखते हो सामने आती है, तो आप एक बैलेंस लीजिए। आप ये नहीं कि रेडिकल एक डायरेक्शन में आप फायर करते चले जाओ, आपके पास एक बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, जैसे ये आया हुआ है इस समय में अभी डिस्कस किए हैं कि अभी जब बजट सेशन चला उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट के प्रस्ताव को लोग अपना रिप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें राहुल गांधी थे, तो उसमें ये भी चीज़ आई कि राहुल गांधी ने अडानी का जो मतलब शेयर मार्केट में घपलेबाजी वाला हो, तो उन्होंने जवाब मांगा गवर्नमेंट से। तो उसमें क्या है कि हमें एक बैलेंस पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ये बजट प्रोसीजर है ना, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रपोजल देती है, गवर्नमेंट फिर अपोजिशन जो होता है उसको जो है कि उसको अपना आर्गुमेंट देना पड़ता है। तो जो राहुल गांधी पूछे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का रिप्लाई आया, वो दोनों अपने अपने हिसाब से किया गया। राहुल गांधी की कुछ स्पीच को कट शॉर्ट कर दिया गया वहां से, प्राइम मिनिस्टर उस का जवाब नहीं दिए, ब्लेम किए। जैसे मान लीजिए कि ब्लेम ये किया गया कि जो राहुल गांधी हैं वो राहुल सॉरी गांधी जो है कि सरनेम गांधी क्यों लगाते हैं, नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये तो मतलब ब्लेम करने वाली बात है, बहुत कम लोग चीज़ों को समझते हैं इंडिया के पॉलिटिक्स को। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ आपको कि राहुल राहुल नेहरू की बजाय राहुल राहुल गांधी क्यों हो गए, ठीक है ये सोचें। देखिए हुआ क्या, मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता देता हूँ क्योंकि आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि सोशल मीडिया पे जो र्यूमर चढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल का सरनेम नेहरू था। मोतीलाल नेहरू के जो लड़के हुए वो जो हुए कौन, जवाहरलाल नेहरू हुए, तो वो मोतीलाल नेहरू के टाइटल पे जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो नेहरू सर के एक लड़की ही थी, ठीक है, नेहरू सर की एक लड़की थी और नेहरू सर की जो शादी हुई थी उनकी उनका नाम था कमला नेहरू। ठीक है, तो जब शादी हुई नेहरू की, तो जो एक लड़की पैदा हुई नेहरू सर से, तो वो थी इंदिरा नेहरू। ठीक है, फिर इंदिरा नेहरू जो थी वो इंदिरा गांधी बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उनकी जो शादी हुई उनका लव मैरिज जो था वो फिरोज गांधी से हुआ। हमारे परंपरा है कि हमारा जो सर नेम होता फादर के हिसाब से होता है, ठीक है, ना कि मदर के नाम से। अगर मदर के नाम से होता तो जो है कि इंदिरा गांधी ही रहती, अरे सॉरी इंदिरा नेहरू ही रहती, इंदिरा गांधी नहीं बनती। तो हमारा पैट्रियटिकल सोसाइटी है, तो फादर के नाम पे बच्चों का जो फादर के सर नेम के बेस पे बच्चों का जो कि सरनेम रखा जाता है। तो जब इंदिरा नेहरू शादी की फिरोज से, फिरोज गांधी से, तो इंदिरा नेहरू भी बन, इंदिरा नेहरू जो बन गई इंदिरा गांधी। ठीक है, अब ऐसे खेल बदल गया है, बदला क्या, वो तो परंपरा है। जब इंदिरा गांधी बनी नेहरू से गांधी टाइटल अपनाए, तो उनके दो बच्चे हुए। फिरोज गांधी जब शादी हुई इंदिरा जी की, तो वो दो बच्चे, एक संजय गांधी एक राजीव गांधी, समझ रहे हो, राजीव गांधी और संजय गांधी, दो बच्चे हुए इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया 83-84 में, ठीक, और जो दो बेटे थे उनके संजय और राजीव, संजय की शादी हो गई
बोल सकते हो आप मेनका गांधी से, ठीक है, मेनका गांधी से हुई। और राजीव गांधी की शादी शादी जो है कि आज की जो सोनिया से हो गई, समझ रहे हो चीज। और जो संजय गांधी थे उनके बच्चे हुए वरुण गांधी, आज जो कि बीजेपी के एमपी हैं, राइट। तो वो तो एक संजय गांधी का चला गया। दूसरा जो एक निकल करके राजीव गांधी सर थे, उनका असैसिनेशन जो हुआ 93 में, ठीक है, तो उनके क्या हुआ है कि दो दो बच्चे हुए, या भी बोल सकते हो सोनिया गांधी जो है आज उनकी वाइफ थी, हैं अभी। राजीव गांधी की असैसिनेशन हुआ, इंदिरा जो कि अभी सोनिया गांधी मैम है, तो इनके दो बच्चे हुए, दो बच्चे, एक प्रियंका हुई और एक जो कि राहुल हुए। तो प्रियंका गांधी हो गई, फिर प्रियंका गांधी एक हो गई और एक हो गई, हो गए राजीव गांधी, सॉरी राजीव गांधी बोल राहुल गांधी। तब समझे कि गांधी टाइटल कहाँ से है। जब इंदिरा जी की शादी हुई फिरोज गांधी से, पैट्रियोटिकल सोसाइटी के बेसिस पे उनका सरनेम चेंज कर दिया गया, वो हो गए। उसके बाद जो प्रियंका गांधी थी, ये जो कि रॉबर्ट वाड्रा से शादी हुई, ठीक है। तो प्रियंका गांधी अब हो गए प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा हो गई, गांधी नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि पैट्रियोटिकल सोसाइटी चली। और प्रियंका गांधी के शादी हुई रॉबर्ट वाड्रा से, तो उनके दो बच्चे हैं, उनका नाम मैंने पता है मुझे भी, छोटे छोटे हैं वो लोग। तो अब आप देखिए कि इस तरह का ब्लेम जो करे, मतलब प्रधानमंत्री के, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा कहें, तो ये कितने लोग समझते हैं, लोग यही समझें। सपोज करिए कि ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए, पर्सनल, ये पर्सनल मैं बताऊंगा, फैमिली पर्सनल का है, आपको जवाब देना चाहिए था, खैर वो अलग पॉलिटिक्स है। बस मैं एक सरनेम क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि राहुल नेहरू की बजाय राहुल गांधी क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कि उनकी जो दादी हुआ करती थी, दादी तो हुई ना, फादर की माँ दादी तो होती है ना, फादर राहुल गांधी के कौन थे, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी की माँ कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो ये सिस्टम, अगर आप इलाहाबाद अगर कभी जाएं तो वहाँ आनंद भवन है, ठीक, आनंद भवन में जाइए, पूरा उनका लोगों का आनंद भवन, मतलब नेहरू सर का जो कि मोतीलाल नेहरू सर का जो कि हाउस है वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरी तरह से एक चार्ट बना हुआ है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, कहाँ से कमला नेहरू ऐसे वैसे लोग निकल करके आए। तो वो एक अलग चीज़ है, हमारे एग्जाम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, बस मेरा यही इंटेंशन था, बस किसी को हर्ट नहीं करना था। तो अब हम आते हैं जो हमारा करंट अफेयर्स हेडलाइन न्यूज है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना जो कि एडिटोरियल पे, और उसके बाद जो कि पीडीएफ के थ्रू डिस्कस करेंगे, और हम अपने इस वीडियो कैमरे को करें। अब देखिए क्या है, इस समय सीजन चल रहा है, सीजन क्या है, लव लव वाला फरवरी। तो इसमें क्या है कि अभी जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया था, तो उसने प्रपोजल ला दिया था कि 14 फरवरी को आप काऊ को हक करिए। मैं यहाँ पे और इसको भी क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि देखिए, दो जो गऊ माता है, हम हक करने में हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, हम इनको पूजते हैं। जब आप रास्ते से निकलते हैं तो अगर कोई गाय बछड़ा अगर निकलता है, तो हम उन पे उनके टच करते हैं, फिर वो अपने सर पे लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं हम। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का प्रपोजल डालिए। तो हालांकि ये विड्रॉ कर लिया गया कि काऊ हक डे को अपील को फिर विड्रॉ कर लिया, वो अलग चीज़ है, ये बताना चाह रहा। उसके बाद एक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से रिस्पॉन्स मांगा है अडानी के केस को लेकर के। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, रिसोर्स फॉर स्टेट राइस शार्पली, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि जो रिसोर्स है सेंटर से स्टेट की तरफ वो मतलब इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा आर्टिकल है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर के, और IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हम इससे ये अनुमान लगाते हैं कि इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन हुआ है वो किस लेवल पे कितना हुआ है। फिर उसका वेलफेयर पुश इन पोल ईयर राजस्थान बजट, राजस्थान का बजट जो है कि अभी सबमिट किया गया, वो चीज़ को लेकर के। अब हम आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। देखिए इसरो क्या किया है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को SSLV-D2 को लॉन्च किया है, ये स्मॉल टाइप, ये सेकेंड टाइप की है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल्स पे आते हैं, देखते हैं क्या है हमारा।
आप इंतज़ार करिए, वेट वेट, बाकी सारी चीज़ें उतनी रिलेवेंस नहीं है। देखिए बजट सेशन चल रहा है तो उसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसा ब्लेम किया जाता है, ये तो हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। आवर गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड वोट बैंक पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है बजट डिस्क्रिमिनेशन, अगर मिनोरिटी से अपोजिशन का कहना है तो ये भी हमारे लिए, बस हमें अपडेट रहना है। एक्सपोज अडानी कॉमेंट वुड नॉट खरगे, जो लीडर LOP हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने इस तरह की बात कही है कि जो अडानी का स्कैम जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर एलिगेशन किए हैं। फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हुई थी ना, गौरी एक मैम थी, उनका अपॉइंटमेंट मद्रास हाई कोर्ट में हुआ, तो उसमें ब्लेम ये एलिगेशन लगाया जा रहा था कि उसको जो कि रिव्यू किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनका बहुत पॉलिटिकल कमेंट्स था, इरिस्पॉन्सिबल तरीके से था, वो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप भी ले रखी थी, तो इस वजह से उनको न किया जाए, तो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया, कहा कि कोलोजियम कोई सब्जेक्ट नहीं है कि उसको जो है कि जुडिशियल रिव्यू किया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब मैं बता दूं आपको, कोई डिसीजन पहले लिया गया फिर उसको जो कि रिव्यू किया जाए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल एनिमल वेलफेयर वाला जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हम, देखिए बोहरा प्रैक्टिस को लेकर के हैं, तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 26 20, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं 26 और आर्टिकल 21 को लेकर के है। हमें पता है हमारा जो फंडामेंटल राइट है सर, ठीक है, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और हमारा ओरिजिनल ये आर्टिकल अंडर आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आता है, ठीक है। और हमारे पास इस समय टोटल, एक सेकेंड, हमारे पास टोटल इस समय 6 फंडामेंटल राइट हैं, पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा करके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जो 6 फंडामेंटल राइट है हमारा, जैसे इक्वालिटी की बात, फ्रीडम की बात, प्रोटेक्शन की बात, ठीक है, फिर उसके बाद रेमेडी की बात, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो हमारा आर्ट आर्ट जो कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात आती है आर्टिकल 18 से लेकर के हमारा, सॉरी 19 से लेकर के हमारा जो कि 22 तक है, इसमें 21 जो आर्टिकल है हमारा, ये पर्सनल पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, कि आप चॉइस है आपकी, क्या चॉइस है, फ्रेश वाटर मिले आपको, इन्वायरमेंटल, शादी जिसे करना है उससे करो, जिस कलर का आपका क्लॉथ पहनने का मन है बहुत सारी चीज़ें करो। लेकिन जब 26 की बात आती है, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस की बात आती है, तो इसमें ये है कि जो कम्युनिटी है, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ हिंदू का, हिंदू में क्या प्रैक्टिस है कि मुंडन करवाया जाता है बच्चे का, या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसका मुंडन करवाया, ये प्रैक्टिस है एक तरह से। आप भी ये भी कर सकते हो ना कि एक मुंडन करवा रहे हो कहीं ना कहीं, जो कि ह्यूमिलिएट कर रहे हो हुमन को, तो ऐसा नहीं है, वो जो परंपरा वो चलते, जो बोहरा कम्युनिटी है उसकी जो कि प्रैक्टिस होती है उसको लेकर, लेकिन जो 26 आर्टिकल में है इसमें ये कहा गया रिलीजियस प्रोटेक्शन की बात की जाती है, रिलीजियस अपना प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बेसिकली। दूसरी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हमें लगता है कि अली एक बिग न्यूज में डिस्कस करना चाहिए कि लिथियम, अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया है, उसमें ये पाया है कि वहाँ पे एक लिथियम डिपॉजिट माइन माइन जो पाई गई है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी मतलब अच्छा है, कि मतलब ये गुड न्यूज है कि वो करेगा। हम इसको ना विद स्टैटिक्स के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करे किया जा सकता, इसको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए होगा, इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद वाइल्ड इंथ्यूजन स्पॉट 140 स्पीशीज सुंदरबन, देखिए वो जो बर्ड्स हैं ना वहाँ पे पाए गए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सुंदरबन। सुंदरबन आपको पता है कि जो इंडिया बांग्लादेश का, अब मैं इंडिया का मैप बना देता हूँ आपको, ये एक सेकेंड ले करके, ठीक है, ये इंडिया का जो मैप, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। ये इंडिया का, ये जैसे यहाँ से आती है रिवर गंगा, फिर उसके बाद यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र निकल करके आती थी, ये वाला जो पार्ट पड़ता है ना, ये सुंदरबन, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो फेस्टिवल बर्ड फेस्टिवल के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोरो किया है कुछ अमाउंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है ना अपने बोरो करती है, बोरो करने के लिए दो सोर्स है इसका, एक तो इंटरनल, इंटरनल मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बोरो करता है, घरेलू से बोरो करता है। दूसरा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आपका मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन से और बायलेटरल कंट्री से लेकर के ये कर सकती है,
तो ये जो बोरो किया जाता है इसको लेकर के ये था। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देख लेते हैं क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों। एक सेकेंड यहाँ पे अडानी को लेकर के ये फार्मे सेबी को ये किया गया है, तो वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए चैटा, चैट GPT है, ये एक हमारा एक तरह के बोल सकते हो कि इनोवेशन है आईटी सेक्टर में। तो इसमें ये कहा जा रहा है ना कि जो हमारे इंडियंस आईटी सेक्टर है ना, इनके लिए कहीं ना कहीं जॉब स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये लिया है मैंने। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इंडियन एक्सप्रेस का देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए एक पहले एक सेक्रेटरी रहे, फॉर्मर सेक्रेटरी अंडमान निकोबार के, इनके पे सेक्सुअल एलिगेशन जैसी कुछ चीज़ें लगाई गई हैं, ये पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में है। तो इन पर SIT ने ये कहा ना कि ये कहीं ना कहीं अपने एविडेंस को ना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है, ये कहीं ना फैक्ट है। फिर उसके बाद अडानी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की अपनी वर्डिक्ट आई है और सुप्रीम कोर्ट जो कि इसको अपनी निगरानी दे। फिर उसके बाद देखिए यूपी में जो कि चल रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चले, बेट ऑन इंडिया को ले है। फिर उसके बाद दो जजों की अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे अपॉइंट टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर नेम असेंट। फिर उसके फर्स्ट टाइम US, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बार ना देखिए इंडिया और US के बीच में नुक ऑन बायो अटैक, बायोलॉजिकल वीपन्स को लेकर के एक्सरसाइज किया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये इसको कहते हैं TARKASS, तारकस, ठीक है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और US के बीच में, पहली बार जो है कि इसको ये इसमें बायोलॉजिकल और जो क्या बोलते हैं केमिकल वेपन्स और रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर्स को लेकर के प्रैक्टिस की गई। ये 6th एडिशन है जो कि इंडिया को लेकर के। फिर उसके बाद ग्लोबल, देखिए जो हमारी ग्लोबल रेटिंग कंपनी होती है, तो ये अडानी के केस की वजह से अभी ये इंडिकेट दे रहे हैं कि अडानी की जो और 4 फार्म हैं वो कहीं ना कहीं डेफिसिट में चल रही हैं। फिर उसके बाद US काउंटर पॉलिसी रिव्यू द वार्न यूनाइटेड किंगडम को लेकर के हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारे लिए कौन सा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए CUT है, देखिए कि जो प्रोसीजर होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना CUET, तो वो जो कि प्रोसीजर जो कि अंडर रजिस्ट्रेशन अंडर में है, अगर आप चाहते हैं तो आप जो है कि इसको रजिस्टर कर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए। UPPCS में क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले साल कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ हो रहा है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, UG के लिए ये किया जा रहा है 2023 के लिए। फिर इसके बाद देखिए लोकसभा में लोकसभा 0R मनोज तिवारी एक्यूज आम आदमी पार्टी टू टैपिंग द फोन को लेकर के, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है 0R। देखिए जो पार्लियामेंट होती है ना, पार्लियामेंट होती है जो इसके कुछ जो वर्किंग टाइम डे होता है ना, ये आर के हिसाब से डिवाइड होता है। जैसे कहते हैं क्वेश्चन आवर 0R, ठीक है, और फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आवर के होते हैं। तो जो पहला आवर होता है ना जो सेशन शुरू होता है, मतलब 10 बजे से शुरू होता है, 10 से 11 के बीच में जो होगा ना वो क्वेश्चन आवर होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा उसके बाद 0R जो शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी दोस्तों। फिर उसके बाद हम आते हैं राजस्थान की जो कि सब्सिडी LPG को लेकर के बजट हुए। फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाला ये हक को जो कि विड्रॉ कर लिया गया, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो कि उनका जो है कि कमेंट्स आ रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस अपडेट रहने की ज़रूरत है कि इसमें बजट सेशन चल रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए प्राइवेट मेंबर का मतलब ये होता है कि नॉन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है ना उनको जो है कि एज ए प्राइवेट मेंबर के रूप में किया जाता है, तो उसको लेकर के हुआ। तो इसमें रंगनाथन मिश्रा एक कमेटी है और एक सच्चर कमेटी है। तो 2006 और 2007 में जो कि दोनों कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, ये मिनोरिटी को लेकर के हैं, मिनोरिटी जो ग्रुप होते हैं ना उनके राइट्स को लेकर के किया गया, तो उनका रिप्रेजेंटेशन को लेकर के काफ़ी चिंता जाहिर की जा रही है। तो यही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सचर कमेटी रंगनाथन के मिश्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, मिनोरिटी से रिलेटेड है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि अभी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा जो कि स्टेट है अभी ये प्रोविजन लाया कि जो डॉक्टर हैं उनके लिए एक ड्रेस कोड होगा, ना कि वो जींस टी शर्ट स्कर्ट्स पहन करके आए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यहाँ पे बिल को लेकर के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्टेट गवर्नर रिप्लाई
को लेकर के। होता क्या है कि जो बिल्स होती है ना, बिल हमने यस्टरडे वाले में शायद किया था, जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, इनके पास ना बिल को रिजर्व करने के लिए पावर होती है, और गवर्नर के पास भी पावर होती है कि वो रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के पास भी अलग अलग तरह की जो वीटो पावर है उसको बोलते हैं। फिर उसके कंक्लूजन रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू जो अभी हमने डिस्कस किया, जुडिशियल रिव्यू को लेकर के जो गौरी मैम है उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर के बोला गया था। फिर उसके पी एस एल वी, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 लॉन्च किया गया अर्थ के ऑर्बिट में। इसके बाद देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। हाँ ये देखिए, हाँ देखिए हमने डिस्कस किया, ये देखिए गांधी है, फिरोज वरुण गांधी है, ठीक है, फिरोज गांधी, फिरोज वरुण गांधी है, तो आपके ये पता होना चाहिए कि कैसे गांधी बने। हमने डिस्कस किया ये चचेरे भाई हैं राहुल गांधी के, क्योंकि राहुल गांधी के फादर दो भाई थे, एक राजीव गांधी एक संजय गांधी थे, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स पे आते हैं हम, डिस्पाइट द रेट रसिया सप्लाई द क्रूड ऑयल को लेकर के। देखिए अभी रसिया जो है कि इंडिया को क्रूड प्रोवाइड करा, लेकिन वेस्टर्न कंट्री जो कि कहीं ना कहीं इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। फिर सेबी को लेकर के, आठ सेबी ने अडानी को लेकर के किया है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के देखिए काफ़ी डीप हुआ, 4.3 के आसपास आ गया, जो कि पहले 19 था। फिर ChatGPT जो हमने कहा कि चैट बॉक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम करेगा। फिर उसके बाद मूडी कट द फर्म फॉर निगेटिव अडानी ग्रुप को लेकर के, मूडी एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों। फिर इसके बाद हम आते हैं आगे, देखते हैं ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कहा ना हमने कि ये लिथियम डिस्कवरी को लेकर के जम्मू कश्मीर में, तो हम इसको करंट अफेयर विद स्टैटिक्स में भी अब अच्छे से जो कि इसको डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर के हमने कहा ना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म करके आया हुआ ये जो कि पहले एडिटर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के और अदर करके, तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, हमने पहले ओरली जो कि डिस्कस कर लिए हैं। फिर इसके बाद देखिए आर्टिकल 105 और आर्टिकल 121 है। 121 ये कहता है ना सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी की जो एक्टिविटी होती है ना वो डिस्कस नहीं किया जाएगा, कहाँ पे, लेजिस्लेचर में, लेकिन पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्ले असेंबली में। उसके बाद आर्टिकल 105 जो ये कहता है ना, ये कहता है जो हमारे लेजिस्लेचर MP पार्लियामेंटेरियन है ना, इनके वर्क या जो भी कमेंट करते हैं हाउस में, उनको उनको पनिश नहीं किया जाएगा, उनका उनकी बातों का डिस्कशन नहीं किया जाएगा बाहर के लिए। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये दो आर्टिकल हो गए। फिर उसके बाद जो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जाती है, प्रिविलेजेस के, जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं ना, इनके जो कि प्रिविलेजेस की जो बात है कि बोलते हैं लोग, तो उसमें क्या है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है कि लाया गया था, कहाँ, कब, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था, ये इसका इंडिया में लाया गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें ना, दो 17 सेंचुरी में, मैं अभी यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो 17 सेंचुरी था ना उसमें जो है कि पहली बार जो है कि इस तरह की प्रिविलेज लाई गई ब्रिटेन में। हालांकि चल रहा था काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन इंडिया में ब्रिटेन के थ्रू, जो कि क्योंकि 1935 में ब्रिटेन का ही तो रूल हुआ करता था, हम तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुए दोस्तों, 47 में इंडिपेंडेंट हुए, तो इस क्वेश्चन को लेकर के हैं। लेकिन जो हमारे MP जो वगैरह होते हैं ना, उनके पीछे देखिए क्या होता है कि क्लेम इम्यूनिटी प्रोसिक्यूट इसलिए बोल दिया जाता है 105 में। फिर उसके बाद दूसरा जो है प्रिविलेज करप्शन एक्ट 1988 में किया जाता है। तो ये हमने हेडलाइन में दोस्तों डिस्कस किया, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, और आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माई वीडियो। और दूसरी एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ कि जो ये न्यूज इस चैनल का होता है यही कि करंट अफेयर को स्टैटिक से कैसे रिलेट किया जाए, और मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, छोटे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस तो हमें नहीं है, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि बड़े एग्जाम्स को अगर प्रिपरेशन करते हो आप, तो छोटे एग्जाम ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हो, राइट। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।